हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं सैमसंग का 8 kg टॉप लोडेड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इसका पावर कंजम्पशन टेस्ट, कितना वाट बिजली का ये यूज करता है अगर ये चलता है तो। दोस्तों, ये रहा हमारा वॉशिंग मशीन और यहाँ पे मैंने सेटअप सेट कर लिया है। यहाँ पे एनर्जी मीटर को मैंने सेट कर लिया। आप वोल्टेज दे सकते हैं 250 वोल्टेज के आसपास है और यहाँ पे मैंने यूनिट को जीरो कर रखा है और वाट दे सकते हैं जीरो है, क्योंकि मैंने अभी वॉशिंग मशीन का प्लग बाहर रखा है। दोस्तों, सामने से आप देख सकते हैं 5-star रेटिंग में ये वॉशिंग मशीन है। इसका फुल डिटेल रिव्यू मैंने बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं जाके। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे सैमसंग का पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं इको बॉल टेक्नोलॉजी डिजिटल इन्वर्टर, ये वॉशिंग मशीन है। यहाँ पे आपको वॉश प्रोग्राम देखने को मिल जाता है 1 से लेकर 8 तक। यहाँ से आप साइकिल चेंज कर सकते हैं और कुछ सेटिंग फंक्शन के हैं वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और छोटा सा एक डिस्प्ले है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डिस्प्ले के आसपास कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है, जैसे कि चाइल्ड लॉक है, टब क्लीन करना है तो यहाँ पे आपको वार्निंग आ जाएगा वगैरह वगैरह। यहाँ वाटर लेवल है और यहाँ पे साइकिल चेंज करने का ऑप्शन दिखा रहा है। और दोस्तों, यहाँ से पावर ऑन कर सकते हैं और यहाँ से इसको स्टार्ट और रोक सकते हैं। और दोस्तों, ये एक हाइड्रोलिक डोर क्लोजिंग है जो कि आराम से क्लोज होता है। इसको आप ऐसे छोड़ दोगे यहाँ पे तो देख सकते हो ये रहा। और दोस्तों, ड्रम आप देख सकते हैं, ड्रम आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग शॉर्पनर डाल सकते हैं और यहाँ पे आप लोग डिटर्जेंट डाल सकते हैं। इकोवर्ल्ड टेक्नोलॉजी में दोस्तों आपको इस तरह का एक दो घिरनी मिल जाता है जिसमें आप सिर्फ डालोगे तो ये इसको जब इसमें पानी का प्रेशर आएगा तो ये घूमेगा और घूमने के बाद वो सिर्फ डिजोल्व हो जाएगा और उसके बाद यह इस वाले होल से इस ड्रम में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम लोग डालते हैं आप सर्फ। हम लोग सर्फ कपड़े के हिसाब से डाल सकते हैं। हालांकि कपड़ा काफ़ी कम है तो मैं कम ही डालूंगा। आप देख सकते हैं कपड़ा आधा से भी कम है। इसका जो कैपेसिटी वो 8 kg का है। और इसको हम लोग इस तरह से पुश करके अंदर कर देंगे। यहाँ पर लोग देख सकते हैं डिटर्जेंट बबल स्ट्रीम। बबल स्ट्रीम का मतलब है वो जो सर्फ है डिजोल्व होके यहाँ से बाहर आएगा। अब हम इसके डोर को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट तरीके से ये डोर क्लोज हो रहा है। ओके, अब हम वॉशिंग मशीन के प्लग को अपने डिजिटल बोर्ड में सेट करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्लग इन किया थोड़ा सा करंट जो कि नॉमिनल है 0.3 वाट ये लेना स्टार्ट कर दिया है। ओके, प्लग इन हो गया है। अभी तक डिस्प्ले पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। जब तक कि आप इस वाले बटन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे नहीं आएगा। जैसे ही इसका ये डिस्प्ले ऑन हुआ आप देख सकते हैं लोड 2 वाट के लगभग का है और वोल्टेज भी काफ़ी परफेक्ट है, 250 के आसपास। अब हम एक नंबर प्रोग्राम जो कि नॉर्मल मोड है इस पर ही स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता करना है, आपको सीखना है कि कैसे हम लोग प्रोग्राम सेट करते हैं। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एक नंबर पे ही सेट होता है। अभी ये लगभग 7.5 वाट का लोड ले रहा है और आप देख सकते हैं हल्का हल्का ड्रम रोटेशन कर रहा है। वाटेज आप लोग देख सकते हैं घट बढ़ रहा है। जैसे ही इसका मोटर घूमना स्टार्ट करता है कपड़े का वेट सेंस करने के लिए तो देखते हैं 100 वाट के लगभग का लोड आता है, फिर वो हट जाता है। अब ये यहाँ से वाटर अंदर की ओर लेगा, इसने कपड़े को सेंस कर लिया और यहाँ पे डिस्प्ले 46 मिनट ये शो कर रहा है। जरूरी नहीं कि 46 मिनट ही लगे क्योंकि टाइम
जो कि इसे वाटर लेने का होता है उसको ये नेगलेक्ट करता है, मतलब उसको हटा देता है। अभी जो वाटर ले रहा है तो ये टाइम रुका हुआ रहेगा, नीचे नहीं आएगा। जब ये वाटर रुक जाएगा, ड्रम घूमना स्टार्ट होगा, तब ये धीरे धीरे नीचे आएगा। कुछ केसेस में ये टाइम बढ़ भी सकते हैं, वाश करते करते अगर सेंस कर लेता है कपड़े को कि अच्छे से वाश नहीं हो पाया है तो ये टाइम को इंक्रीज भी कर लेता है, मैंने ऐसा देखा है। अभी आप देख सकते हैं वाटर ले रहा है और मीटर पे 8.5 वाट का लोड चल रहा है और पावर फैक्टर आप लोग देख सकते हैं 0.75 का है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इकोबोल टेक्नोलॉजी होने के कारण ये जो सर्फ है ऊपर से घुल के नीचे बबल के रूप में नीचे आ रहा है। इस वॉशिंग मशीन का यूज करते हुए मुझे लगभग 3 से 4 मंथ हो गया अभी तक में। अभी तक का जो इसका फीडबैक है काफ़ी अच्छा है। फिलहाल दोस्तों जब तक ये पानी लेगा ये बिजली का यूज़ नॉमिनल करेगा, मतलब नाम मात्र का करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 8.5 वाट का ये लोड ले रहा है, जब इसका एक्चुअल मोटर घूमेगा तब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना वाट लेता है। दोस्तों आप देख सकते हैं टाइम 43 मिनट हो गया और ये घूमना स्टार्ट कर दिया है। अब हम मीटर पर लोड देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो मोटर जोर लगा रहा है तो लोड 100 वाट के तकरीबन जा रहा है, क्योंकि इसमें जो मोटर होता है वो कंटिन्यू नहीं घूमता है, मतलब रह रह के घूमता है आगे पीछे दाएं बाएं। तो उस हिसाब से लोड आप लोग देख सकते हैं 100 वाट तक जाता है फिर नीचे आ जाता है। एवरेज मानेंगे 100 वाट। तो एवरेज हम लोग 100 मानते हैं कि मोटर जब घूमता है तो 100 वाट का ये लोड ले रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभी जो यूनिट है वो बिल्कुल 0 है। जब पूरा वाश कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना यूनिट बिजली ये खपत करता है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मोटर स्टार्ट होता है तकरीबन 100 वाट का लोड एवरेज में अब ये थोड़ा सा पानी ले रहा है। दोस्तों टाइम आप देख सकते हैं 29 मिनट हो चुका है, अभी भी वॉशिंग चल रहा है। आप मीटर पे लोड देख सकते हैं, अभी मोटर हल्का हल्का घूम रहा है जिस वजह से लोड कम है। अब आप देख सकते हैं 100 वाट का लोड, मोटर जब जब जोर लगा रहा है तो 100 वाट का लोड यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों ऐसा हो सकता है अगर इसमें कपड़ा पूरा फुल हो तो लोड 100 वाट से ऊपर का भी हो सकता है, हालांकि इसमें कपड़ा अभी आधा है तो उस हिसाब से लोड 100 वाट का है।
कभी एक बार फुल लोड करके कपड़ा वो भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कपड़ा आधा है और मशीन जो है लोड 100 वाट के तकरीबन ले रहा है जब इसका मोटर रोटेट कर रहा है। टाइम जो है अभी 27 मिनट है। दोस्तों देख सकते हैं मशीन ने यहाँ पे पानी जो है एग्जॉस्ट कर दिया है। लोड जो है 7 वाट का है। दोस्तों इसका ड्रम घूमना स्टार्ट हो चुका है पानी को निचोड़ने के लिए। अभी ये धीरे धीरे पिकअप पकड़ेगा तो लोड अभी 15 वाट के समथिंग का है। तेईस वाट के लगभग है। 25 ड्रम जो है अभी फुल स्पीड पे नहीं रोटेट हो रहा है जिस वजह से लोड कम है। अब थोड़ा सा लोड 40 वाट के लगभग हो गया है। ड्रम ने थोड़ा सा स्पीड अपना इंक्रीज किया है। पचास वाट और ये अभी घट के 36-37 वाट पे आ गया। ड्रम जो है अभी भी फुल स्पीड पे नहीं है क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ तो मैं बता सकता हूँ अभी और इसका स्पीड बढ़ सकता है। हो सकता है कपड़ा अभी गीला हो जिस वजह से स्पीड अभी स्लो है। बाकी जब ये कपड़े को सुखाने के लिए ड्रम रोटेट होगा जो मैक्सिमम स्पीड उस टाइम घूमता है उस टाइम का मैं आपको लोड दिखाऊंगा तब पता चलेगा कि कितना वाट का लोड ये स्पिन करने में लेता है। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं 37 वाट के अप्रॉक्स लोड ये ले रहा है। 36-37 ड्रम जो है मीडियम स्पीड पर है और ये ड्रम यहाँ पर रोटेट होना बंद हो चुका है। शायद से अब पानी लेगा। लोड बंद होने के साथ 2 वाट का हो गया घट के और हाँ ये अब पानी ले रहा है क्योंकि कपड़े को अभी फलाड़ना है इसको तो ये पानी ले रहा है। दोस्तों आप देखते हैं टाइम यहाँ पे स्पिन होना स्टार्ट हो गया। टाइम 5 मिनट बचा है और मैं आपको दिखा दूं लोड स्पिन होने में। दोस्तों यहाँ पे लोड 63 वाट का है, 63-64 वाट का है और ये मैक्सिमम स्पीड है। और ये मैक्सिमम स्पीड आई थिंक इससे अधिक लोड इतने कपड़े में तो नहीं हमें दिख रहा है अभी तक। तो दोस्तों आप लोग बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस हमेशा लाता रहता हूं। आप कमेंट करके बताइए आपको और क्या देखना है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। दोस्तों जाते जाते मैं आपको बता दूं कि टोटल जो यूनिट इसने कंज्यूम किया है वो है 0.02। और दोस्तों मैं अपने यहाँ के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे पर यूनिट 3.5 रुपये का बिल आता है। उस हिसाब से इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.02 को 3.5 से, तो कितना पैसा का बिल बनेगा आप लोग देख सकते हैं।
आपके वहाँ पे बिल यूनिट का जो रेट है वो कुछ और हो सकता है, 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। कपड़े के हिसाब से भी ये वेरी कर सकता है, बाकी फुल डिटेल आपके सामने ही है। किसी और वीडियो हम इसको फुल लोड करके डालेंगे, कपड़ा फुल करके 8 kg का, तब देखेंगे कितना इंच इसे कंज्यूम करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।